अस्सलाम फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फ़ोन लेकर आया हूँ, यानी अगर आप पाकिस्तान में हैं और 45 से 50,000 की रेंज में एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं और इंडिया में हैं तो 25 से 28,000 की रेंज में एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जिसकी बैटरी भी बड़ी हो, 4K क्वालिटी में वीडियो शूट करे, पिक्चर क्वालिटी आउट क्लास हो, स्टोरेज का भी प्रॉब्लम ना हो और बड़ा डिस्प्ले आपको मिले। तो आज की वीडियो ये आपके लिए है। ऑनर ने अपना X9V फ़ोन लॉन्च कर दिया है। क्या इसकी स्पेसिफिकेशन होने वाली है, क्या इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है, क्या इसकी प्राइस होने वाली है और क्या क्या इसमें आपको फीचर देखने को मिलेंगे। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फोन का बॉक्स हमारे पास आ चुका है। फोन के ऊपर ऑनर X9B 5G मेंशन किया हुआ है। जो वेरिएंट हमारे पास आया है वो 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला सनराइज ऑरेंज कलर का वेरिएंट है। बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के साथ ही हमें हमारी डिवाइस नजर आती है। वीगन लेदर का डिजाइन इसमें दिया गया है। बैक इसकी वीगन लेदर की है। इस बड़े रिंग में इन्होंने कैमरा सेटअप दिया हुआ है। काफी लाइट वेट फोन है। हैंड फील बहुत ही अच्छी आती है। ऊपर की तरफ सिर्फ माइक्रोफोन आता है। राइट साइड पे आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिलता है। उसके बाद नीचे पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसके डिस्प्ले के अंदर है। नीचे की तरफ सिम का ट्रे आता है, टाइप सी जैक आता है, माइक्रोफोन आता है, स्पीकर ग्रिल आती है और दूसरी साइड में कुछ भी नहीं है। सिम का ट्रे को अगर निकाल कर देखें तो डुअल नैनो सिम ट्रे इसमें आपको मिलता है और माइक्रो SD कार्ड का स्पोर्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलता, यानी SD कार्ड आप इसमें यूज नहीं कर सकते। उसके बाद बॉक्स के अंदर सिम का टूल देखने को मिलता है। उसके बाद सिलिकॉन मोबाइल केस इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद चार्जिंग अडाप्टर आता है। फिर आपको इसमें टाइप ए टू टाइप सी डाटा केबल देखने को मिलेगी। अभी चीजें खत्म नहीं हुई, इसमें अभी और भी चीजें हैं। उसके बाद इस वाले सेक्शन में आपको डोंगल मिलता है जिसमें आप अपना हेडफोन लगा सकते हैं और उसके बाद 3.5mm का जैक वाला हेडफोन मिलता है। यूजुअली आजकल इतने भी फोन हैं उनके बॉक्स में आपको हेडफोन देखने को नहीं मिलते, लेकिन इसमें है। जब ये फोन आप परचेज करते हैं तो इसमें आपको 12 मंथ्स की वारंटी मिलती है, यानी अगर इसकी बैक वगैरह खराब हो जाती है तो कंपनी आपको रिप्लेस करके देगी। उसके बाद कंपनी आपको 2 साल की बैटरी हेल्थ की भी वारंटी देगी। अब हम इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। बहुत ही थिन डिस्प्ले है, बहुत ही थिन बेजल्स हैं इसके। कमाल का डिस्प्ले है, अनब्रेकेबल डिस्प्ले है, यानी ये फोन अगर आपसे गलती से भी नीचे गिर जाता है तो इस फोन को कुछ नहीं होने वाला। स्क्रीन का साइज 6.5 इंच है और एमोलेड डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा। 1.5K का डिस्प्ले है और 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलता है। उसके बाद स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर आपको इसमें मिलेगा। कर्व डिस्प्ले है इस फोन का। 5800mAh की बड़ी बैटरी लगी हुई है इसमें, यानी बैटरी बैकअप आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अल्ट्रा बाउंस एंटी डिस्प्ले इसमें आपको मिलेगा। 5 लेयर के साथ ये डिस्प्ले आता है जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नॉर्मल कैटेगरी में मैं अगर आपको समझाऊं तो अगर ये फोन आपका आम रूटीन में गिरता है तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला। कैमरास के बारे में बात करें तो 108MP का लोलेस कैप्चर कैमरा इसमें आपको मिलता है। कैमराज में वही मोड्स आपको मिलते हैं जो ऑनर के बाकी फोन्स में आते हैं। मल्टी वीडियो मोड में अगर आप आएंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16MP का सेल्फी कैमरा इसमें आपको मिलता है। वीडियोग्राफी में आपको रियर साइड पर 4K का ऑप्शन मिलेगा और सेल्फी में 1080 की रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगी। पोर्ट्रेट वगैरह इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने इस मोबाइल में कुछ पिक्चर्स कैप्चर किए हैं जो आप देख सकते हैं। वॉल्यूम के अंदर आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम मोड मिलता है, यानी अगर आप कोई भी वीडियो चला रहे हैं और जैसे ही आपने इसको फुल किया और ऑरेंज कलर हो गया है तो ये ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा वॉल्यूम मोड में चल जाता है। यूट्यूब की बात करें तो आप यूट्यूब के ऊपर 4K 60fps में वीडियोग्राफी इंजॉय कर सकते हैं। HDR10 का भी सपोर्ट इसमें आता है। नीचे की साइड पर एक ही सिंगल स्पीकर आपको मिलता है। डिस्प्ले इसका बहुत ही कमाल का है। फोन के अबाउट में जाएं तो यहाँ एंड्रॉइड 13 वर्जन मैजिक OS 7.2 मिलता है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है। 8GB रैम वर्चुअल मिलती है और 12GB रैम आपको इस फोन में देखने को मिलती है, यानी अगर दोनों को टोटल करें तो 20GB रैम वाला फोन ये बन जाता है। 256GB का स्टोरेज मिलता है और बहुत कुछ इसमें आपको अमेजिंग मिलेगा। ये शॉर्ट अमेजिंग फीचर मैंने आपको बता दिए इस फोन में। अब हम बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस की। पाकिस्तान में ये फोन जैसे ही लॉन्च होगा तो आपको 45 से 50,000 की रेंज में मिल जाएगा और इंडिया में ये
फोन 28,990 रुपए की रेंज में आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से एक फ्लैगशिप लेवल फोन है। इस रेंज में और इस प्राइस में ये फोन बिल्कुल बेहतरीन है। मेरा अगर ओपिनियन देखें तो ये फोन आपको ले लेना चाहिए। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, इसकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही कमाल की है। तो आपको इस फोन में क्या क्या पसंद आया आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। और मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबा दें ताकि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।